सो फ्रेंड्स, आपका कोई भी कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, आपका एटीएम कार्ड कोई भी रहेगा, चाहे रुपए का हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे वीजा का हो, आपको अगर उस पे अपना पर्सनल फोटो लगाना है या नहीं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का फोटो लगाना चाहते हो या अपने बच्चों का फोटो लगाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम अप्लाई करके बताने वाले हैं कैसे आप अपने एटीएम कार्ड पे अपने फैमिली मेंबर्स का फोटो लगा सकते हो या आप अपना खुद का फोटो लगा सकते हो। बिल्कुल इजी तरीके से आप अपने फोटो को अपने एटीएम कार्ड पे लगा सकते हो। इस वीडियो में आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताने वाले हैं कैसे आप अपने एटीएम कार्ड पे अपना ही फोटो या फैमिली मेंबर्स का फोटो आप लगा पाओगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड आप किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड पे अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हो या आप अपने फैमिली मेंबर्स का फोटो लगाना चाहते हो तो आप उसका मोबाइल बैंकिंग के थ्रू लगा सकते हो या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लगा सकते हो। कोई भी बैंक हो गया, उसका कोई भी एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर उसमें कुछ भी अपडेट करते हो तो आपको एटीएम कार्ड को उसका अपडेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल बैंकिंग या नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ICICI मोबाइल के बारे में बताएंगे या अदरवाइज आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो सेम प्रोसेस आप इसमें कर सकते हो। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा जो योनो एप्लीकेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहां पे मैं अपना ओपन करता हूं। बेसिकली यहां पे देख लीजिए, स्टेट आई मोबाइल ICICI का हो गया या बैंक ऑफ इंडिया का हो गया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। यह एक्सिस बैंक का है, बिल्कुल इजी तरीके से आप कर पाओगे। तो मैंने यहां पे ओपन किया ICICI का, ये ICICI का मैंने आई मोबाइल बैंकिंग एक्टिव कर रखा है। यहां पे देख लीजिए, ओपन करते हैं, यहां पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहां पे मेरे से फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मांगा गया, मैंने अपना फिंगरप्रिंट मैच किया। मैच करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे बीच में देख लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट का है, बीच में डेबिट कार्ड एंड सर्विस का ऑप्शन है। तो हम यहां पे क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड पे। डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहां से आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर आप देख सकते हो, प्लस उसका CVV नंबर देख सकते हो। इजी तरीके से यहां पे आप कार्ड ब्लॉक भी कर सकते हो, अनब्लॉक भी कर सकते हो, पिन जनरेट भी कर पाओगे। यहां से देख लीजिए, जनरेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी तरह नीचे में आप आओगे तो यहां पे देख लीजिए, मोर ऑप्शंस में अपग्रेड टू एक्सपेंशन कार्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे दो ऑप्शन मिल जाता है। यहां पे देख लीजिए, अगर आप चाहो तो यहां पे गेम्स का ले सकते हो या नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स का फोटो वाला कार्ड यहां पे ले पाओगे। तो यहां पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे आप टिक मार करेंगे। टिक मार करने के बाद यहां पे अपलोड योर पिक या नहीं तो यहां पे देख लीजिए, चॉइस फ्रॉम डिजाइन गैलरी का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सारे डिजाइन ऑप्शंस मिल जाएगा। यहां पे देख लीजिए, जैसे कि बैटमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, अलग अलग तरह के यहां पे आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, एक नहीं बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बैटमैन हो गया, बाहुबली बिजनेस का हो गया, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे किड्स का हो गया, होली का हो गया, यहाँ पे अलग अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे चाहो तो एक स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो सिंपल सा एक बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे दोबारा आएगा टर्म एंड कंडीशन पे एंड यहाँ पे अपलोड योर पिक। अपलोड योर पिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे देख लीजिए, सेलेक्ट फोन यहाँ पे आपको मिला जा रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम फोन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपना पिक एक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लिया एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, आपका इमेज का यहाँ पे साइज बता रहा है, इतना पिक्सल में चाहिए, प्लस 10 MB का आपको फोटो होना चाहिए, लेस देन आपका यहाँ पे मोर देन 10 MB चाहिए एंड हाई क्वालिटी का इमेज चाहिए ताकि आपका जो डेबिट कार्ड पे आपका फोटो आए तो वो क्लियर रहे। ये ना हो कि आपका फोटो लो क्वालिटी का है एंड आपने वो मंगवाया तो उस पर आपका पिक्चर क्लियर ना दिखे, फिर बाद में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। नीचे में आप देख सकते हो, JPG हो, PNG भी हो या GIF में हो, कोई भी आपका फोटो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे क्रॉपिंग का जो सिस्टम रहता है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगेगा। लोडिंग में टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देख लीजिए, लोडिंग का टाइम लिया। लोडिंग का टाइम लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसे आप चाहो ईजी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका सिंपल सा ऐसा हो जाएगा पूरा, या आपने चाहो तो मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये देख लीजिए, मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कार्ड पे कुछ इस तरह का आपका फोटो देखने को मिल जाएगा, इस तरह का आपका फोटो आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ़ यू आर हैप्पी विद योर कार्ड
यहाँ पे क्लिक टू सबमिट एंड कंटिन्यू, आपका ये ऑप्शन मिल रहा है सबमिट पे क्लिक करने का। जैसे आप इस पे सबमिट पे आप क्लिक करते हो, आपका जो अकाउंट रहेगा उस अकाउंट पे ये कार्ड इशू कर दिया जाएगा एंड आपका पुराना जो कार्ड रहेगा वो ब्लॉक कर दिया जाता है एंड ये न्यू इशू हो जाएगा। उसके बाद आपका ये कार्ड विद इन, यहाँ पे आपको कम से कम 15 दिन, आपको विद इन 15 डेज के अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है बाई पोस्ट के थ्रू। आपके जो ये कार्ड है आपके पोस्ट के थ्रू आपका डाकिया ले आकर आपके एड्रेस पे पहुंचा देगा, इजी तरीके से आपका मिल जाएगा। बट इसका जो ट्रांजेक्शन रहेगा उसका आपको फीस देना पड़ेगा, जो अगर आप ये कार्ड प्रिंट करवा रहे हो तो इसको आपका जो ये आपने प्रिंट करवाया है इस पर अपना फोटो, इसका आपको फीस देना पड़ेगा, चार्जेस जो रहेगा वो देना पड़ेगा। तो इसमें जैसे आप आगे क्लिक करोगे तब आपका चार्जेस यहाँ पे मांगा जाएगा, चार्जेस पे आप अपना पे कर देते हो या आप अपने अकाउंट से ही पैसा कटवा देते हो। उसके बाद जो आपका डिलीवर का जो डेट रहेगा वो कन्फर्म कर दिया जाएगा एंड आपका जो इसका ट्रैकिंग ऑर्डर रहता है वो आपको मिल जाएगा ट्रैकिंग स्टेटस का, जिससे आप अपना ट्रैक भी कर पाओगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।